अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक है कि किसी लोड को उठाने के लिए अगर हम 10 मीटर की स्लिंग यूज़ करते हैं और उसको डबल रैप करते हैं और दोनों स्लिंग के बीच का डिस्टेंस 10 मीटर है तो बनने वाला एंगल कितना होगा। ओके दोस्तों, चूँकि 10 मीटर स्लिंग है, डबल रैप किया जा रहा है तो थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगी सीलिंग, तो इस पोजीशन में कितना एंगल बनेगा आज इसे मैं बताऊंगा। तो दोस्तों आप लोग से दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक करें, लाइक ज़रूर करें दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें, और जो नए व्यूवर्स हैं उनसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं, देखिएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं डायग्राम है, ये डबल रैप किया हुआ है। यह सीलिंग की पूरी लंबाई कितना है, 10 मीटर। ओके दोस्तों, उसी 10 मीटर में ये रैप भी हुआ है, वो भी डबल रैप हुआ है। ओके दोस्तों, और ये दोनों लिफ्टिंग पॉइंट के बीच की दूरी, दोनों सीलिंग के बीच की दूरी कितना है, 10 मीटर है, और इसका डाया है 12 इंच। ओके दोस्तों, 12 इंच यानी 1 फुट। ओके दोस्तों, अब इसको हम कैसे निकालेंगे, सर्कमफ्रेंस या पेरीमीटर, इसको हिंदी में परिधि कहते हैं, इक्वल टू कितना होता है, 2πr। तो हम जब r निकालेंगे, 12 / 2 इक्वल टू 6 इंच। ओके दोस्तों, इसके बाद पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 2 × 3.14, ये पाई का वैल्यू है। ओके दोस्तों, × 6 इक्वल टू, हम इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगा 37.68 इंच। ओके दोस्तों, इसको फिर हम मीटर में जो है कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे कि आप मोबाइल में देख सकते हैं, आप इस पर टाइप करेंगे, लेंथ में आइए, ठीक है, कितना है, 37.68। ओके दोस्तों, 37.68 कितना आ गया, 0.957। हम 2 अंक लेंगे, ओके दोस्तों, पॉइंट के बाद 3 भी ले सकते हैं, हमने यहाँ पे 3 रखा है, 0.957 मीटर। चूँकि डबल रैप हुआ है इसके लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके दोस्तों, 0.957 × 2 इक्वल टू 1.91 मीटर। ये रैप में कितना यूज हुआ है सीलिंग, 1.91 मीटर। तो अब कितना शॉर्ट हो गया ये सीलिंग, 10 में से 1.91 माइनस कर देंगे, सो 10 − 1.91 इक्वल टू 8.08। ओके दोस्तों, डिस्टेंस बिटवीन सीलिंग्स 10 मीटर। ओके, सो एंगल कितना होगा, 10/2 इक्वल टू 5। ये इसको हम इसलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि अब हमें एंगल निकालना है इसके लिए। अब ये हो गया 5 मीटर यहाँ से यहाँ तक। ओके दोस्तों, चूँकि हमें एंगल निकालने में आसानी तभी होगी, हम एंगल तभी निकाल सकते हैं जब इसके बेस को हम निकाल लेंगे, फिर एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है, चूँकि ये पूरा बेस नहीं बन सकता एंगल निकालने के लिए। ओके दोस्तों, तो ये 5 आ गया, तो शिफ्ट कास 5, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर है तो आप उसको शिफ्ट कास्ट जो है प्रेस करेंगे और उसके बाद 5/8.08 लिखेंगे, उसमें टाइप करेंगे, इक्वल टू आ जाएगा 51.77 डिग्री। या आप कैलसी 84 में जो है
जा करके कास्ट इनवर्स करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसको प्रेस करेंगे, कास्ट इनवर्स आ गया 5 / 8.08। कितना आ गया दोस्तों? ये आ गया 51.77 डिग्री। ओके दोस्तों, तो इस तरह से हम जो है पता कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आएगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।